सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पता नहीं क्या हो गया, हमारे भारत देश को शायद किसी की नज़र सी लग गई है। अब हम लगातार जो है कोविड की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और हमने इस पे काफ़ी कंट्रोल में किया है। इसकी फर्स्ट वेव को हमने झेला है, सेकेंड वेव को हमने झेला है। अब इस सेकेंड वेव के बाद में एक साला नया ससुरा, एक नई और बीमारी आ गई है। इस बीमारी का नाम है, आप लोग देख पा रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस। से क्या है ये म्यूकर माइकोसिस, ससुरा पता नहीं कहाँ से आया है अभी। और तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और आज जो हम इस वीडियो के अंदर हैं, जो पूरा म्यूकर माइकोसिस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके जो हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि जो म्यूकर माइकोसिस क्या होता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये कितने प्रकार का ध्यान रखना म्यूकर माइकोसिस हो सकता है वो हम पढ़ेंगे, या ये जो माइकोसिस है इसको करने वाली जो फंगस होती है वो फंगस कितने प्रकार की होती है वो डिस्कस करेंगे, और किन लोगों को ये होता है, ये जनरली सभी लोगों को नहीं होता है, तो कौन कौन से लोगों को ध्यान रखना ये बीमारी देखने को मिलती है, और कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे, और ये जो फंगस है कहाँ से ध्यान रखना आती है, और कहाँ पे फंगस पाई जाती है, और कैसे हम अगर किसी को हो रखा है तो आप कैसे पता लगाओगे, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी, और उसका इलाज, उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भैया, हमारे भारत को नज़र लग गई है, तो आप लोग भी हैं नींबू मिर्ची, मम्मी को बोलना शुरू करें, झाड़ू फूंका जो भी है वो सब करें आप लोग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास में एक साहब, ये म्यूकर माइकोसिस क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझो ये एक फंगस है। क्या बोला सबसे पहले मैं, म्यूकर माइकोसिस एक सीरियस है। क्या बोला मैंने, एक सीरियस बट बहुत ही रेयरली अवेलेबल ध्यान रखना एक फंगल इन्फेक्शन है। एक फंगस ध्यान रखना होती है, ये फंगस ही ध्यान रखना हमारी बॉडी में ध्यान रखना ही पूरा फैलता है। ओके, इसको हम दूसरे नाम से इसको जाइगोमाइकोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो क्या हम जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं, और इसका एक पूरा ग्रुप होता है फंगस का। आप गूगल पे जाके सर्च मारोगे तो इसकी फोटोज हैं, आपको अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये बहुत ही ध्यान रखना म्यूकर जो है इसका कहाँ पेंसिल ले रहा है। ओके, तो आप जब गूगल पे आप लोग देखोगे तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना एक पूरा सा एक फंगस का एक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ये पूरा फंगस का ग्रुप मिलेगा ध्यान रखना, जहाँ बहुत सारे अलग अलग आपको पोर मिलेंगे। ओके, ध्यान रखना एक पूरा मतलब एक थ्रेड लाइक ध्यान रखना, ऐसे फिलामेंट की जैसा पूरा ध्यान स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये एक पूरा के फंगस का ग्रुप ध्यान रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, अब ये बंदा मिलता कहाँ है, देखिए समझने वाली बात है कि ये बंदा कहाँ मिलता है हमें, वो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो जनरली हमारे पास ये भाई साहब कहाँ रहते हैं ध्यान रखना, ये सॉइल में रहते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको, सॉइल में मिलेंगे। ओके, और कोई भी जो सड़ी हुई कोई ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे कोई सड़ी हुई मतलब जहाँ पत्तियाँ सड़ रही हो, ठीक है, जहाँ मतलब गोबर वगैरह ध्यान रखना वो है, या जहाँ लकड़ी मतलब सड़ रही पड़ी पड़ी ध्यान रखना, तो ये सब जगह जहाँ पे चीज़ सड़ती है ना, चाहे थोड़ी नमी होती है, थोड़ा मॉइस्चर है, थोड़ी गर्मी होती है, उन जगह पे ध्यान रखना जनरली जब फंगस वो ग्रो करती है। देखो फंगस है एक सिंपल ध्यान रखना रेयरली बट बहुत डेंजरस फंगस ध्यान रखना होती है, तो उसकी जो हैबिचुअल आपको आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे हमें समझना है इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। ओके, इसका जो टाइप थे इसके ध्यान रखना 4 से 5 तरह के टाइप होते हैं। देखा ना हमने यहाँ स्टार्टिंग में कि ये जो है कितने टाइप का होता है। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये ध्यान रखना कितने टाइप का आपको देखने को मिलता है, तो इसमें जो इसके 4 से 5 टाइप होते हैं तो हर एक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला वाला जो ध्यान रखना है ये हमारे पास में है राइनो सेरिब्रल है। कौन सा, यहाँ पे राइनो सेरिब्रल ध्यान रखना है, ये आपको जो नाक से होते हुए ये जो नाक का एरिया है, आँख आँख वाला भाग है, ठीक है, ये पीछे ब्रेन ध्यान रखने जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं राइनो सेरिब्रल हम लोग हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इसमें, ये कहाँ ध्यान रखना, स्प्रेड टू द ब्रेन, ये कहाँ जाएगा आपका ब्रेन तक पहुँचेगा ध्यान रखना, और ये जनरली ध्यान लोगों को देखने को मिलता है। और किन लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है, ये हमारे पास में जिन बंदों का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। कौन से बंदे, जिन बंदों का डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है उनमें देखने को मिलेगा, या जिन लोगों ने किडनी ध्यान रखना ट्रांसप्लांट करवा रखी है, ऐसे पेशेंटों में ध्यान रखना जनरली देखने को मिल जाएगा। देखो इस पर ध्यान रखना, आप देखोगे तो ध्यान रखना हमारी बॉडी में जो है ये ध्यान रखना मतलब जो आईज ध्यान रखना है, ठीक है, आईज हैं। ओके, और ध्यान रखना वहाँ का जो ये नेजल ध्यान रखना एरिया है, ओके, मतलब ये नाक से शुरू होगा और आँखों से देना पूरा ब्रेन तक ध्यान रखने जा सकता है। ओके, इसकी फोटोज़ वगैरह में दिखाना मुझे उचित नहीं लगा, बहुत ही बेकार सी इसकी शक्ल थी, मैं मुझे लगा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उससे आपको फोटोज उस बार मैंने दिखाया नहीं, खाली मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है,
इसके सिम्टम्स भी हैं, आपका जो चेहरा है वो सूजने लगेगा, आपका जो फेस झनकना है आपका पूरा जो चेहरे पर आपको सूजन आने लगेगी, आपका जो हेड एक झनकना आपको हो सकता है, ठीक है, आपको जो नाक है वो नाक कंजस हो जाएगा, मतलब जो है नाक आपका जमने लग जाएगा, और जो है आपके जो ब्लैक ब्लैक झनकना स्पॉट है, ठीक है, ऐसे झनकना पूरे चेहरे पर, अगर हम सिंपल सा, अगर हम लोग एक चेहरे को हम लोग झनक बनाए आप लोग, ठीक है, मान लो ये अपना चेहरा है, ठीक है, ये आपकी ये नाक है, बराबर, झनकने पूरे भी झनकने ऐसे पूरा ब्लैक लेशन आपको, मतलब आपको पूरा पूरी बॉडी उतने काला काला धब्बा पड़ जाएगा, झनकना बहुत ही गंदा झनकना होता है ये वाली बीमारी, ठीक है, ये जो ब्लैक लेशन आपको मिलता है ना यहाँ पे ये वाले एरिया में जो काले आपको धब्बे या मिलेंगे वो बहुत ही बेकार होते हैं, ओके, ये वाला झनकना आपका माउथ के ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, वहाँ पे भी मिलता है और बुखार वगैरह आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये सब सिम्टम्स हैं। अगर देखो अलग अलग क्वालिटी का झनकना, ये जो है म्यूकर माइकोसिस झनकना होता है, इसमें से जो सबसे खतरनाक वाला जो कोविड में हो रहा है अभी जो पेशेंटों में अहमदाबाद वगैरह के पेशेंट्स में, मुंबई वगैरह के पेशेंट्स में देखने को आ रहे हैं ना, ये झनकना राइनो सेरिब्रल वाली म्यूकर माइकोसिस है वो सामने आ रही है। उसके अलावा एक और भी इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो उसमें नंबर 2 पे झनकना आती है वो है पल्मोनरी। कौन सी वाली है भाई साहब? ये है पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई झनकना होती है जो हमारे लंग से जुड़ी हुई होती है, ओके। और ये कौन से पेशेंट में मिलता है? अगर ऐसा पेशेंट झनकना जिसको कैंसर हो रखा है, या उसने अपनी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रखे हैं, ठीक है, या जिसकी बॉडी में अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, अगर ये आपने करवा रखा है तो आपकी बॉडी में झनकने आपको जनरल देखने को मिलेगा। इसके सिम्टम भी नॉर्मली कौन कौन से हैं यहाँ पे? फीवर है, कफ है, अपनी जो चेस्ट पेन होती है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं लंग्स वाली। अगर फंगस अंदर था, कौन सी वाली? लंग्स वाली। देखो इस अभी कोविड के टाइम पे झनकना ये डायबिटिक वाले पेशेंट में, वो इसके पहले वाली थी ना वो वाली फंगस आ रही, जबकि ये अभी इतना ऐसे केस देखने को नहीं मिला हमें, ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट में आगे। उसके अलावा हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, यानी कि हमारा पेट में भी झनकना गड़बड़ झनकना जो है ना, हमारी छोटी आंत वगैरह होती है, ठीक है, हम जो खाना खाते जो है ना, हमारी जो आंतें होती है शरीर में, पेट में जो आंतें होती है, इसमें भी झनकना होता, तो ये ऐसा कब मिलता है? जब आपको ये झनकना यंग लोगों में, बच्चों में है, ठीक है, इनमें आपको देखने को मिलता है, या जब बच्चे पैदा होते हैं जिनका झनकना प्री मैच्योर झनकना, जिनका लो बर्थ वेट, मतलब जिनका जो बच्चा पैदा होता है और जिसका वजन बराबर नहीं होता, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, या सर्जरी वगैरह होती है, तो ऐसे केसेस में झनकना, ये जो म्यूकर माइकोसिस होती है इसमें झनकना के आपको मिलेगी प्रॉब्लम्स, आपको सिम्टम में पेन मिलेगा, मतलब आपका जो पेट दर्द है, एब्डोमेन दर्द करेगा आपको, मतलब नौशिया लगेगा, जी मिचलाएगा, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, और आपको जो अंदर के भाग हैं वहाँ पे जो है आपका ब्लीडिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, तो सबके इसके सिम्टम होते हैं। अब झनकना ये भी अक्सर अभी यहाँ अभी ये नहीं मिलना है, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा मेजरली झनकना होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्यूटेनियस यानी स्किन वाला, यानी आपकी जो त्वचा है ना वो खराब कर देगा बंदा, ठीक है। अब ये झनकना कब होगा? आपको जब स्किन पे जो कोई कट लगता है, ठीक है, आपको जो स्किन टूटती झनकना, या जब कोई सर्जरी करते झनकना, ओके, या जनक कोई भाग आपके मतलब जल जाती है स्किन झनकना, या फिर कोई ट्रॉमा झनकना वहाँ पे हो जाता है, ओके, या आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होना, तो ऐसे केसेस में झनकना, आपकी बॉडी में झनकना, अलग अलग स्किन पे आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें आपको सिम्टम मिलेंगे, स्किन के अंदर आपकी जो पूरी स्किन है ना एकदम खुरदरी हो जाएगी, ठीक है, उससे पूरे दागे दाने झनकना हो जाएंगे, जिसे ब्लिस्टर बोलते हैं, या फिर उसमें अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं, और पूरी स्किन है ना कि काली पड़ जाएगी, क्या बोला, आपका जो पूरी हाथ है पैर है वो कि एकदम काले काले से झनकना पड़ जाते हैं। उसके अलावा उसमें और भी पेन है, बॉडी में पेन हो झनकना, पूरी बॉडी झनक लाल हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, और पूरी बॉडी में लाल दाल चकते भी आपको मिल सकते हैं, और आपकी बॉडी में सूजन भी झनकना आ सकती है, तो ये झनकना जो है स्किन के म्यूकर माइकोसिस फंगस के इन्फेक्शन से आपको ये सब आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। उसके अल्लाह झनकना है डिस माइनेटेड म्यूकर माइकोसिस झनकना है, इसके अल्लाह झनकना अगर ये हमारे ब्लड से, क्या बोला, अगर झनकना हमारे ब्लड में दिक्कत हो जाए, ये फंगस हमारे कहाँ आ जाए, ब्लड में आ जाए, तो ये ब्लड में आना ये बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि मसाला ब्लड में जब आएगा तो पूरी बॉडी में फैलेगा, ठीक है, तो वहाँ से झनकना आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, और वहाँ से ब्लड है तो पूरी बॉडी में जाएगा, तो आपकी बॉडी के जो अलग ऑर्गन है, स्प्रीन है, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, आपकी त्वचा है, वहाँ तक ये पहुँचेगा, और आपकी बॉडी में अगर ब्रेन तक पहुँच गया ना, तो आपको भाई साहब एक कोमा तक ले जाएगा, यानी ये एक फंगस आपको हमेशा के लिए झनकना मौत की नींद सुला सकता है, तो बहुत ही खतरनाक ये फंगस होती है, बट रेयरली अवेलेबल होती है, बट इसलिए झनकना मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब देखते हैं उन महान आत्माओं के नाम बोल दे रहा हूँ, कौन कौन से हरामखोर हैं जो ये फंगस होती हैं, इनके आपको आपको मैं हर एक के नाम बताता हूँ, ठीक है ना, ये जो टाइप ऑफ फंगस है ना वो कितनी फंगस झनकना देखने को मिलती है, फंगस के बारे में आपको मैं देता हूँ।
तो पहले हमारे पास में जो राइजोफर्स की जन स्पीसीज हैं वो भी ध्यान रखना करती हैं, उसके अलावा जो म्यूकर की अलग अलग स्पीसीज हैं वो भी करती हैं। ओके, उसके बाद में जो दोनों का जो कॉमन है, आप दोनों को जो आप ले लोगे ना कॉमन मिक्सर, तो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे राइजो म्यूकर की स्पीसीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख देख लीजिए, बहुत खतरनाक खतरनाक नाम लिखे यहाँ पे, सिनसेफ्लोस्ट्रम, ठीक है, सिनसेफ्लोस्ट्रम स्पीसीज की जो फंगस है वो हो सकती है। उसके अलावा ये कनिंग मेला बोर्थेलिटिया, ओके, ये अलग अलग नाम की जो फंगस हैं ये होती हैं। उसके अलावा ये एपोफिसोमिक स्पीसीज की फंगस हैं, या हम बोल सकते हैं लिचमिया हैं, या फिर बोल सकते हैं एप्सीडिया। ओके, तो ये मेरे पास में मैंने फंगस के नाम बताया, ठीक है, ये इनके ही लोग ध्यान रखना होते हैं जो सब हमारे शरीर की ऐसे करने के लिए आते हैं। तो इनके परिवार से भी आपको मैंने मिलवा दिया कि कौन सी जाति की प्रजाति ध्यान रखना फंगस होती है, इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बारी किन बंदों को ही होगा, ठीक है, अब ऐसे बंदे कौन से होंगे, हालांकि मैंने आपको बता तो दिए हैं फिर भी आपको यहाँ पॉइंट के बारे में देख लीजिए कि किन किन बंदों ध्यान रखना ये आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले वे बंदे हैं जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम ध्यान रखना, क्या बोला, जिनको क्या आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम ध्यान रखना होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ध्यान रखना लेते हैं, और जिनकी बॉडी की औकात नहीं है, जिनकी बॉडी की डिमांड इतनी नहीं है, इनकी बॉडी इतना संभाल नहीं पाएगी, और वो हद से ज़्यादा ध्यान रखना क्या है मतलब जंप वगैरह के लिए सिकनेस के लिए जो है मेडिसिन लेते हैं। उसके अलावा उसमें बंदे हैं जब और कौन कौन से बंदे हैं, तो भाई साहब संभल के रहना, जिन बंदों को डायबिटीज़ है ना कोरोना में, भाई साहब आप तो संभल के रहना, आप लोगों की लापरवाही के चक्कर ना रखना, आप लोग पहले से बॉडी कंट्रोल करके नहीं रखते, आप टाइम पे हेल्थ की एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए सब तकलीफें होती है। अगर आपने हेल्थ को ध्यान से रखा होता, भाई हमारे में क्या होता है, लोगों में क्या होता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग क्या होते हैं ना, शादी के बाद बीवी प्रेग्नेंट होती है, और शादी के पहले जो आदमी प्रेग्नेंट होता है, क्योंकि खाने पीने को सेंस ही नहीं है यार, कुछ देखते ही नहीं कि हमें कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, कितना प्रोटीन, कितना फैट, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, एक मतलब कोई डाइट प्लान ही नहीं, कुछ भी जो भी आया बस खाया जा रहा है, तो ये सब डायबिटीज़ होगी, बस सीधी सी कहानी है, ठीक है। तो डायबिटीज़ का लफड़ा ध्यान रखना होता है, आपका जो बॉडी का पेनक्रियाज है ना वो खराब हो जाता है, और पेनक्रियाज जब खराब होता है ना उसमें इंसुलिन नहीं बनेगा, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर आपकी बॉडी में जो आपका जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में जाकर आपको एनर्जी नहीं देगा, वो ग्लूकोज पूरा आपका जो जो होता है ना सुसु वहाँ पूरा बह के ध्यान रखना बाहर जाएगा, तो डायबिटीज़ वालों सुधर जाओ थोड़ा, ठीक है, बड़ी दिक्कत आपको ध्यान रखना देने वाला है। उसके अलावा जिनके अंदर कैंसर वाले प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसे कैसे में भी देखने को मिल सकते हैं, या जिन बंदों ने मल्टीपल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हों के उनमें भी देखने को मिलता है, या जिनकी बॉडी में WBC, देखो ये WBC का क्या चक्कर है यहाँ पे समझो, जो जो WBC हम लोग बोलते हैं ना, मतलब ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये हमारी बॉडी की आर्मी है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा या हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो कम पड़ जाएगी, तभी जनकना हमारी बॉडी में भी फैल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनकना वही लॉन्ग टाइम आप स्टीरॉयड डाल लेते हैं, ठीक है, या आप लोग बार बार जनकना इंजेक्शन ठुकवाते हैं, जो स्टीरॉयड जनकना इंजेक्शन आप लोग लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है, या आप जो हैं वो ज़्यादा टेबलेट लेते हैं आयरन वगैरह की, ठीक है, तो आयरन की टू मच अमाउंट भी ध्यान रखना बहुत डेंजरस ध्यान रखना होती है। तो ये खास होकर जो गर्ल्स होती हैं जो आयरन की टेबलेट लेती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पे ही आपको एक पर्टिकुलर एक शेड्यूल में ध्यान रखना आपको टेबलेट लेनी चाहिए आयरन की, जो आपकी बॉडी में जो है ब्लड की लेवल को कंट्रोल करके या मेंटेन रख के चलती है, ठीक है, या कोई जिन लोगों का आप ध्यान रखना कोई स्किन में इंजरी हो रखी है, सर्जरी हो रखी है, ठीक है, या कोई मतलब घाव हो रखा है, जल गया हो, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, ऐसे पेशेंटों को ध्यान रखने देखने को मिलता है। क्लियर कहानी यहाँ तक, तो किन किन बंदों को होता बता दिया पूरी कहानी मैंने। अब देखो, अब बात ध्यान रखना है ना कैसे अपने आप को बचाना है, देखो हमने हमें सीखना है हर चीज़, अब इसको हम कैसे बचाएंगे, ठीक है, तो हम लोग करते चलते हैं यहाँ पे सब, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी आप कोशिश करो कि आप अपने आप को बचा के रखो, ठीक है, आप हैं अपने आप को हमेशा बचा के रखो। अब ध्यान रखना आप ट्राई करो कि ऐसे कोई एरिया में आप लोग नहीं जाएं जहाँ पे ध्यान रखना कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू, जहाँ पे मकान वकान बन रहा हो तो वहाँ दूर रहे, क्योंकि वहाँ की जो डस्ट वगैरह है ना तो मतलब सबके ध्यान रखने लिए सुटेबल होती नहीं है, तो आप उस एरिया से दूर रहें। अब कोशिश ध्यान रखना करें हमेशा N95 आप मास्क पहन के रखें, और कोई भी ध्यान रखना ऐसे एरिया में आप जाने से बचें, ठीक है। उसके ध्यान रखना जहाँ पे पानी का ध्यान रखना सिस्टम ब्रेक हो रखा है, मतलब जहाँ पानी लीकेज है, ठीक है, और जहाँ ध्यान बार बार पानी भरा रहता है वहाँ जहाँ नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, ऐसी जगहों से आप लोग दूर रहें, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना आप लोग हैं सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, डस्ट से मिट्टी से नहीं खेलें, या जो आपके यार्ड वर्क है या गार्डनिंग है जब आप करते हैं ना उसमें आप लोग ध्यान रखें, आप है ना जो है पूरे कंप्लीट जूते पहरे, अपना पूरी फुल लेंथ की पैंट पहरे, ओके, पूरी फुल स्लीव की ध्यान रखना शर्ट पहननी है, ओके, जब भी आप बाहर जाए ध्यान रखना है कोई भी एक्टिविटी करते हैं या आप लोग मतलब गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप गार्डन मतलब अच्छे से बना रहे हैं, अपने यार्ड में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब कुछ घर में कुछ काम कर रहे हैं, अपना मतलब
उसमें ठीक है। तो यार देना, जब भी आपको कोई लकड़ी वाला जहाँ जंगल वगैरह एरिया में आप जाते हैं, तो आपको थोड़ा अपने आप को वह ध्यान रखना है यार, कुछ भी नहीं ठीक है। आप लोग ट्राई करो कि आप लोग जो है ग्लव्स पहने ओके, और आप लोग जो हैं अच्छे से कोई भी अगर आप काम करते हैं सॉइल वगैरह का ठीक है, खाद वगैरह डालते हैं ना खेतों में, तो मोसेस वगैरह, तो आप लोग जो हैं अपना सब कुछ चीज़ें पहन के रखें, प्रिकॉशंस पूरी रखें ठीक है। तो ये सब देन चीज़ें आपको आपकी जो प्रिकॉशंस हैं ये आपकी देन अपना डिसीज को इवन मेन क्योर करेंगे ओके। और भी बहुत सारे रीजन अवेलेबल है, उसके अलावा अगर हो गया है तो आप लोग डॉक्टर का परामर्श लें, और उसके बाद में जो है एंटी फंगल है इसकी जो मेडिसिन है वो लें ठीक है। आपको डॉक्टर के सलाह में इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको कराऊँ। देखो फंगस का ट्रीटमेंट कम से कम है ना 52 दिन तक चलता है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। फंगस का जो ट्रीटमेंट है 52 डेज तक आपको ध्यान रखना लेना पड़ता है कंटिन्यू, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग लेते हैं ठीक हो जाती है पर पूरी तरह गायब नहीं होती है, आप फिर दवाई देना बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर से अचानक से 2 वीक में वापस स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कि दवा आप लोग पूरी लें ठीक है। आप कपड़े हैं बराबर साफ सफाई अच्छे से रखें, कपड़े धोके पहने, धूप में बराबर सुखाएं उनको अच्छे से बढ़िया से, ये सब आप लोग रखें, और ट्राई करें कि आप लोग मॉइस्चर और नमी वाले एरिया में ना ही जाएं ठीक है। ये अब आपको बता चुका हूँ पूरी कहानी की फंगस देना कहाँ मिलती है, तो ठीक है सब आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इस ऑयल में मिलती है, सड़ी चीज़ों में, पत्तियों में, पेल वो सब ठीक है, ये सब आपको मैं करा चुका हूँ, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर जो स्पोर्ट्स के टच में आते हैं ठीक है, ये सब आपको मतलब बता दिया मैंने कि कहाँ से देने रखने फंगस आती है। अब बारी है इसको डायग्नोज कैसे करोगे ठीक है। तो अब हमें जब आप जाओगे डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर जो है पहले आपका क्या करेगा, सबसे पहले डॉक्टर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है ठीक है आपका चेकअप करता है, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रखी पहले, या कोई आपको पहले फंगल इन्फेक्शन हो रखा है क्या, तो आपका जो पूरा हिस्ट्री पहले डॉक्टर पता करेगा। उसके अलावा डॉक्टर जो है आपके सिम्टम्स चेक करता है, अगर लग रहा है सिम्टम्स है उसके बाद उसको लगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, वो कुछ भी उसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी टेस्टिंग वगैरह है आपको, वो आपको फिर कोई लैब का टेस्ट करने को भी बोल सकता है। मान लीजिए किसी बंदे को हो गया है तो ठीक है, तो ऐसे बंदे में क्या करेगा, वो बंदा जो उसके लंग्स हैं या फिर उसका जो साइनस है नाक वाला भाग है वहाँ से कहेंगे देना सैंपल लेता है ठीक है, और सैंपल लेने के बाद में उसी देखा उसको लेबोरेटरी में सैंपल भेज देता है, या उसके टिश्यू में गड़बड़ लग रही है स्किन पे अगर है देना रखना वहाँ पे क्या करेगा, टिश्यू की जो बायोप्सी देना रखना वो करेगा, और वहाँ के जो जो कुछ सैंपल हैं वो सैंपल देना रखना लेके आगे टेस्टिंग के लिए भेजेगा ओके। अब उसको देना रखना सैंपल को लैब में लेकर उसको एनालाइज करेगा, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेगा, या फिर ये जो फंगल का जो कल्चरिंग है फंगल की कल्चरिंग कराकर फंगल की स्पीसीज को वो डिटेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देना रखना उसकी टेस्टिंग में करते हैं, और कई बार लग रहा है सीरियस वाला केस देना रखना, ऐसे केस में जो है सीटी स्कैन भी कराने को बोल सकती हैं देना रखना, और भी देना रखना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन से इंटरनल अगर ऑर्गन में चला गया है तो आपको देना रखना वहाँ पे उसको टेस्टिंग आपको करवानी पड़ सकती है ठीक है। और अब उसके बारे में इसका ट्रीटमेंट में आपको कौन कौन सी आपको देना रखना दवियाँ लेनी है, तो बहुत सारी मेरे पास यहाँ मेडिसिन है ठीक है, पर देना रखना ये डॉक्टर उसको जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करता था आपको लेनी नहीं है, ये एंटी फंगल मेडिसिन के मैं नाम बता रहा हूँ आपको मैं ठीक है। तो उनका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, क्या नाम है, एम्फोटेरिसिन बी, उसके बाद में पॉस्को नाजोल एंड एवाको एवोके नाजोल ओके। तो ये ध्यान रखना अलग ध्यान रखना मेरे पास में क्या है कि ये एंटी फंगल मेडिसिन है ठीक है, ये क्या है एंटी फंगल है ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन ध्यान रखना है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है। अगर लगेगा डॉक्टर को ध्यान रखना, डॉक्टर सर्जरी भी कर सकता है ध्यान रखना, और डॉक्टर के अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट कर सकता है ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी, आपको मैंने टोटल जो है पूरी कहानी मैंने बता दी है गाइस। अगर आपको मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक एक मुझे इंस्पिरेशन देता है और मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं यार मुझे बच्चों के लिए कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना है ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।